नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। गुजरात के मोरबी में 134 मौतें हुई हैं, पर कितने गुनहगार हैं? आज हम दंगल में यही सवाल पूछेंगे। गुजरात के मोरबी में मौत का आंकड़ा 134 पर पहुंच गया है। हादसे में लापरवाही का एंगल सामने आ रहा है। मेंटेनेंस कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कंपनी ने तय वक्त से पहले ही झूलता पुल यानी हैंगिंग ब्रिज लोगों के लिए खोल दिया, और वो भी बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और एनओसी लिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि हादसा अगर लापरवाही की वजह से हुआ है तो लापरवाही किसकी थी और किस किस की थी? सवाल यह भी है कि अगर लापरवाही थी तो जो कुछ भी हुआ, क्या उसे हादसे का नाम देना चाहिए या फिर हत्या कहना चाहिए? आइए पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें एन उसी समय की हैं जब यह हादसा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा जो कि ब्रिज के एक छोर पर लगा था, उसमें यह तस्वीरें कैद हुई हैं जो आपको साफ तौर पर दिखाती हैं उस आखिरी लम्हे की, उन लोगों की छटपटाहट और उसके बाद किस तरीके से निर्जीव सा ये पुल बिल्कुल झूल गया। हालांकि इसे झूला ब्रिज ही वहां पर कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए, लोग यहां पर छुट्टी का दिन होने के नाते आए थे तस्वीरें खिंचाने, लेकिन लोग भी बड़ी संख्या में इस पर आते गए। बहुत पुराना ये पुल है, उसके बावजूद कोताही किस स्तर पर बरती गई कि लोग पुल पर आते गए क्योंकि टिकट लेकर आ रहे थे। मोरबी में मौत का मातम है, कहीं दिल को चीरने वाली आवाज सुनाई दे रही है तो कहीं एकदम सन्न करने वाली तस्वीरें। मोरबी का मंजर देखकर हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 125 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 8 दिन से मैडम अभी वो रिपेयर हुआ है और ये पब्लिक को दिखा रहे कि हम लोग 2 करोड़ रुपए का खर्चा करे, 2 करोड़ का खर्चा करे तो ये हादसा क्यों हुआ, ये हादसा क्यों हुआ? और बिना मंजूरी के वो लोग पैसों के लिए चला रहे, तो आज जिसके परिवार के 160 के 70 जितने लोग गए वो तो उसके परिवार के गए ना मैडम, तो उनका क्या? आपके परिवार का, आपका बेटा? हमारे परिवार का 3 है, एक अच्छा है, 2 स्प्रेड हो गए, 2 एक घायल है, 2 नहीं रहे, क्या बात है। हादसे की वजह में लापरवाही का एंगल सामने आ रहा है। जिस ओरेवा कंपनी को सस्पेंशन ब्रिज के रिपेयर और मेंटेनेंस का काम दिया गया था उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिपेयर के लिए 8 से 12 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन 7 महीने में पुल को खोल दिया गया। खोलने से पहले कंपनी ने पुल की गुणवत्ता की जांच नहीं की। इतना ही नहीं, पुल को खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। मोरबी में हादसे के लिए जितनी लापरवाही कंपनी की है उतनी ही लापरवाही प्रशासन की भी है। ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों की क्षमता वाले पुल के लिए संडे को 400 टिकट बेचे गए, साथ ही भीड़ को काबू में करने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। जवाब हम यहाँ आंख बंद करके अंदाजा लगा सकते हैं, घर में छज्जा लगाने के लिए एनओसी चाहिए होती है। इतना बड़ा ब्रिज अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं दोबारा से निर्माण के बाद, बिना फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट, बिना सेफ्टी ऑडिट कैसे खुल गया? ये तो प्रशासन सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है कि एनओसी नहीं ली थी। अगर एनओसी नहीं ली तो आपने खोला कैसे, उसे खुलने क्यों दिया? अब मोरबी नगर पालिका और अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी ओरेवा ग्रुप के बीच हुए करार की कॉपी देखिए। इसी साल मार्च 2022 में कंपनी ने मोरबी की हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव के लिए 15 साल का करार किया था। हादसे के बाद कंपनी की ओर से जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। गुजरात के मोरबी इलाके में जो पुल हादसा हुआ है उसमें अब तक 130 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर आई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद जिस कंपनी को मेंटेनेंस का काम दिया था ओरेवा ग्रुप, उनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद से सटे इस ओरेवा ग्रुप के ऑफिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑफिस है ये बंद है। कहा जा रहा है कि दिवाली के वक्त से यानी कि 4-5 दिन से ये ऑफिस बंद है, इस ऑफिस में कोई भी नहीं है। इस ऑफिस के अगर हम इस वक्त आप दृश्य दिखा पाए तो पीछे की ओर देखेंगे आप तो अजंता मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी कंपनी जानी जाती है, और अजंता ग्रुप के जितने आप कह सकते हैं कि कंपनीज है उनके नाम दिख रहे हैं, और लास्ट में ओरेवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ये चीज दिख रही है। सबूत साफ साफ इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि भयंकर लापरवाही का मामला है।
मोरबी से अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो लापरवाही हुई है इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता, लेकिन जिम्मेदारी किस पर तय की जाए ये जानना भी जरूरी हो जाता है। हालांकि जांच बैठी है और एक एक करके पूरा मामला खुलेगा, लेकिन आज इस पूरे मामले को तफसील से समझने के लिए हमने यहां पर स्टूडियो में डॉक्टर हरीश त्रिपाठी को आमंत्रित किया है, जो कि एक आर्किटेक्ट है और हमें समझाएंगे इस तरह की ब्रिजेस के मामले में किस तरीके से मेंटेनेंस इतना अहम होता है और क्या करना चाहिए था, कहां गलती हुई। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस की ओर से, और अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ में गोपी घांगर भी हमारे साथ सीधा इस समय मोरबी से जुड़ रही हैं। गोपी, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट चाहती हूं कार्रवाई का, क्या जितनी कार्रवाई हो गई, जितने लोगों को धरपकड़ हो गई वो खत्म, मामला हम समझे कि समाप्त, मान लिया गया कि यही दोषी है और इन पर ही पूरी जिम्मेदारी डाली जाए। देखिए, फिलहाल 9 लोगों से पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। ये वो 9 लोग हैं जो टिकट विंडो पे बैठे हुए थे, यानी 2 जगह पे टिकट विंडो है। उन लोगों को सिक्योरिटी गार्ड जिसने लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी, और साथ ही वो मेंटेनेंस की टीम जो इस ब्रिज को मेंटेन करती है। तो इसे मिला के कुल 9 लोगों से फिलहाल पूछताछ यहाँ पे हो रही है। हालांकि देखिए, SIT की जो टीम गठित की गई है, SIT की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कांग्रेस भी उठा रहा है वो ये है कि आखिर क्यों जो FIR है, FIR में किसी के नाम का जिक्र नहीं किया गया, जबकि कल जो नगरपालिका के चीफ फायर ऑफिसर है उन्होंने साफ शब्दों में संदीप कुमार ने बता दिया था कि ब्रिज को शुरू करने से पहले NOC नहीं लिया गया। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि क्या पिछले 5 दिन से जिस तरीके से ब्रिज पर लोग आते थे, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचते थे, तो क्या नगर पालिका को, प्रशासन को पता नहीं था कि झूलता ब्रिज शुरू हो गया है? क्यों उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया? इतने बड़े के हादसे का इंतजार क्यों किया गया? और सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक जवाबदारी रहती है कि 100 लोगों को ब्रिज पर जाने की अनुमति रहती है, तो वैसे में 250-300 जितने लोग ब्रिज पर एक साथ कैसे पहुंच गए? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, SIT की टीम बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो लापरवाही है, ये लापरवाही भी बखूबी यहाँ पे दिखती है। प्रेम शुक्ला जी, लोग माफ कीजिएगा, पहले हम इस समय की एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को पहले दे देते हैं। मोरबी हादसे में 4 गिरफ्तारियां, जैसा कि गोपी हमें बता रही थी, 4 गिरफ्तारियां हो गई हैं मोरबी हादसे में। प्रेम शुक्ला जी, हम बाकी सारी चीजों को एक तरफ रखें तो यह भी समझना तो जरूरी हो जाता है ना कि अगर एक कंपनी बिना NOC के, बिना क्लियरेंस के किसी चीज को शुरू कर रही है तो प्रशासन को तो पता होना चाहिए। ये तो छोटी छोटी गलतियां अगर हम लोग करते हैं तो हमें मालूम होता है कि किस तरह की चीजें होती रहती हैं। अब इतने बड़े पुल को खोलते हुए ये क्या सिर्फ कहा जा सकता है कि कंपनी की गलती थी? देखिए, भयंकर लापरवाही का दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और इसको बहुत संवेदना की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें 130 से अधिक लोगों के प्राण गए हैं। निश्चित तौर पर जब इस काम को कंपनी ने शुरू किया होगा तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी, और प्रशासन में कौन इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, जांच में उनके नाम भी सामने आएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए इस मामले को भारतीय दंड विधा की धारा 304 के तहत दर्ज किया गया है, ताकि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो पूरी आपकी जो है व्यवस्था के लिए कलंक है कि आप जो हैं 130 से अधिक लोगों के प्राण चले जाते हैं किसी की लोभ से, लालच से, लापरवाही से, तो उसको निश्चित तौर पर दंड मिलना चाहिए। ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। और पहला जो कार्य था वो राहत और बचाव का कार्य था, और इस तरह का राहत और बचाव कार्य में जितनी दक्षता से काम किया गया है कि पहला जो व्यक्ति है वो 18 मिनट में अस्पताल पहुंच गया है, तो जो संभव हो सका है वहां दुर्घटना के बाद प्रशासन ने पूरी दक्षता ली है, एक यह पक्ष भी है। लेकिन इस पक्ष से भी श्वेता जी, जैसा आप कह रही हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस तरह का, जिस तरह से पुल शुरू किया गया उसमें जो भी दोषी हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो कार्रवाई के पात्र हैं और उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। पहला व्यक्ति 18 मिनट में जरूर पहुंचा, लेकिन अंतिम व्यक्ति की तलाश तो अभी भी चल रही है। आलोक जी, जो चीजें कांग्रेस की तरफ से सीधा ये बयान आ गया कि एक मानव निर्मित त्रासदी है,
कि मुझे लगता है कि इससे दुखद घटना पिछले इतिहास में कभी नहीं हुई होगी, और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्राइवेटाइजेशन, जिसको ठेकेदारी प्रथा कहा जाता है, उस ठेकेदारी प्रथा का नतीजा है ये। और दुर्भाग्य ये है कि हम अभी भी ढूंढ रहे हैं कि जिम्मेवार कौन है, कौन इसका हादसा है या हत्या है। ये बिल्कुल दिन दहाड़े हत्या है, और हत्यारा कौन है? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है यहाँ का, और वो इस राज्य का मुख्यमंत्री है। कह रहे मुजरिम कब सामने आएंगे? अरे मुजरिम तो वहां पर घूमने लग रहे हैं सामने। कलेक्टर ने मना किया कि इस कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस कंपनी का एक्सपीरियंस जो अब घड़ी बनाने का है, उसके बाद गांधीनगर से दबाव पड़ा और इस कंपनी को ठेका दिया गया। वो कौन भाजपा का नेता था जिसने ये पूरी तरह से दबाव देकर ये किया? 5 दिन हो गए, प्रशासन को पता ही नहीं चला कॉरपोरेशन को। कॉरपोरेशन किसकी है? भाजपा की। फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं? कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया कि नहीं? आप 5 दिन तक शांति से खामोशी से बैठे रहे, कोई ऑडिट रिपोर्ट आई, कोई टेस्टिंग रिपोर्ट आई, कुछ नहीं हुआ। मोदी साहब का मुझे वो भाषण याद आ रहा है जब कलकत्ता में पुल गिरा था, तो शायद आप लोगों को भी याद होगा किस तरह से मोदी साहब ने वो बात कही थी। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं, तो याद कर लीजिए एक बार जरा मोदी साहब का भाषण। आलोक जी, अब लाल बहादुर शास्त्री वाला दौर तो रहा नहीं कि अगर ट्रेन हादसा हो जाएगा तो इस्तीफा वो दे देते हैं अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए, इसीलिए इस चीज की बात न करें तो बेहतर है। हमारे साथ इस समय अजय और पंकज, जो कि आलोक जी उसमें वो स्पष्ट आवाज आ नहीं रही है, कोई फायदा नहीं होगा। हमारे साथ दो साथी इस समय जुड़े हैं, थोड़ा थोड़ा सम्मान कर लीजिए। सुनिए, अजय और पंकज जो कि उस समय वहां पर मौजूद थे, जो आंखों के सामने हादसा होते हुए जिन्होंने देखा, अजय जी पंकज जी अगर आप लोग वो बता पाए, क्योंकि वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि दिल की धड़कन रुक सी गई है। आप लोग सामने मौजूद थे, क्या देखा था आपने, कैसे कैसे अचानक कैसे हुआ ये? हाँ मैडम, अचानक तो हम लोग जब यहाँ पे हम लोग कारपेंटर काम करते हैं मैडम, जो कि यहाँ पे बैठे थे और इतनी भीड़ लग गई थी वहाँ पे पुल के ऊपर, जो कि हम लोग मना किए कि इतना लोग मत चढ़ो, टूट जाएगा। उसके बावजूद लोग जाते गए, चढ़ते गए, इतना भीड़ लगी कि 2 मिनट के बाद ही पुल टूटा और सब गिर कर उसमें दब गए। और जितना हमारे 2 भाई हैं और इन लोगों ने देखा कि पुल टूट गया है और दौड़ते हुए गए और जाली के ऊपर से चढ़कर कंधे पर उठा उठा के सबको ऊपर धकेल धकेल कर ऊपर चढ़ाया। चढ़ाते हुए हम लोग पकड़ पकड़ कर बाहर करते रहे, जो कि एक बच्ची भी थी मैडम, जो कि बच्ची तो बेहोश थी, फिर भी यहाँ पे मीडिया वो थे, सॉरी नर्स थी, जो कि एम्बुलेंस में नर्स थी, उस नर्स के पास ले जाया गया, जो कि नर्स ने उसका नब्ज चेक किया, उसके बाद फूंक नहीं मारी। मैंने खुद देख रहा था, मैंने कहा मैडम क्या कर रही हो आप, पहले फूंक मारिए, बच्चे की जान पहले बचाए। बोलती है मैडम मैं नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती, तुम हटो मैं करूंगा। तो फिर मैंने गया और बच्ची की मुख में मैंने फूंक मारी और फूंक मार कर उसको जिंदा किया, खड़ा किया, उसको बगल में बैठा। एक बच्चा और था जो कि 4 साल का था, मैंने उसको भी जाकर उसका पैर ऊपर उठाकर हमने पूरे पानी अंदर से बाहर निकाला, नाक से और मुंह से पानी निकलता गया। जब निकल गया तो मुंह से फूंक मारी तो बच्चा पहले से मर चुका था, उसको बचाने में अक्षम रहे मैडम। नहीं, आप लोग, आप दोनों की मैं बहुत सराहना करना चाहूंगी, पूरे देश में जो कोई भी सुन रहा होगा, क्योंकि न सिर्फ आप लोगों ने बाद में मदद की है बल्कि लोगों को पुल पर जाने से रोका भी है, इसलिए सलाम है आप दोनों को। यही आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड जिस तरीके से दिखाया जाता है। पर अजय पंकज ये बताइए कि आप लोग कारपेंटर का काम करते हैं, वहां पर अभी भी काम चल रहा था? हाँ, भाई गड्ढा चालू हो रहा है मैडम, इधर भी फुटिंग निकल रहा है इधर भी। अच्छा, नहीं मतलब ये जो ब्रिज था, जो ब्रिज खुल गया था, दिन से काम बंद है 8 दिन से। हाँ हाँ, तो इस ब्रिज के जो मेंटेन करने का जो काम था, इसको जो रिपेयर और मेंटेन किया जा रहा था, वो काम में भी आप लोग लगे हुए थे? नहीं 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 मैडम, वो मेरा काम नहीं था, वो हम लोग अच्छा। काम नहीं था, वो तो दूसरे लोग थे, आए थे पता नहीं कहाँ से, वो काम किए कर रहे थे उस पे। 20 दिन पहले एक करंट लगा, एक करंट से एक बच्चा मर गया था, जो कि उस पे भी कार्रवाई नहीं की गई,
उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग तो खुद कारपेंटर काम करते हैं, स्वामीनारायण मंदिर के बगल में ही काम चल रहा है, उसके मंदिर के बगल में ही चल रहा है, जो मंदिर का ही काम है हम लोग उसमें काम करते हैं, जो कि फिर भी देखे पुल टूटा तो हम लोग जी और जान अपना जिंदगी के परवाह किए बिना हम लोग गए और बच्चों की जान बचाई हम लोगों ने, जितना सफरा मेरे से हुआ उतना हम लोग किए। उसके बाद जो मर गया सो मर गया, उसके लिए हम क्या कहें मैडम। नहीं नहीं, आपने कोशिश की है, वो हौसला रखते हुए कोशिश की है, बड़ी चीज है। कितना पानी था उसमें नदी में, क्योंकि देख के लग रहा था कि बहुत ज्यादा नहीं है। लोगों की मौत क्या ऊपर से गिरने के कारण आपको ज्यादा दिख रहा था, या आप जैसा बता रहे हैं कि बच्चे के फेफड़ों में पानी भर गया था? जी 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 हाँ मैडम, उसमें पानी कम से कम 20 से 25 फुट तक था, इतना गड्ढा था। उसमें मलवा भी है मैडम, इतना मलवा है कि जो जो लोग गिरे हैं उसमें वो तो उसमें दब चुके हैं, जो कि अभी उन लोगों का पता नहीं चला है, रेस्क्यू टीम वाले पता लगा रहे हैं। आपको लग रहा है इससे ज्यादा लोग हैं जिनको अभी ढूंढना है? जी 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 मैडम। लगभग कितने लोग थे उस टाइम जब ब्रिज पे आप लोग बोल रहे थे कि मर जाओ? करीब लोग होंगे मरे हुए। जब आप लोग ये कह रहे थे कि इतने लोग मत जाओ ब्रिज पर एक साथ, उस समय कितने, मतलब 300-400 लोग उस पे थे? नहीं, बेसी थे, 500-600 से करीब थे मैडम। और टिकट बिकते जा रहे थे, लोग आते जा रहे थे, रोजाना इतने लोग आते हैं या कल ही आए थे इतने? जी जी नहीं नहीं, रोजाना तो मैडम नहीं आते थे, कल ही आए थे। इतना काफी भीड़ कल लगा दी उन्होंने कि पहले से ज्यादा था, जो कि पहले तो 200, 300, 250, 400 के बीच में रह जाते थे, मगर कल की अपेक्षा इतना ज्यादा था, 500-600 तक था। 200-300 फिर भी आ जाते थे एक दिन में, लेकिन एक समय में? जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय और पंकज आप दोनों का कि आपने समय निकाला, आपका रोज का काम है, आप इतनी देर तक आपने प्रतीक्षा भी की, बहुत धन्यवाद। और साथ में जो काम आप लोगों ने किया है मदद का, सबको, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। हरीश त्रिपाठी जी, जो बातें आप सुन रहे हैं जी, जी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या क्यों हुआ है ये? एक सस्पेंशन ब्रिज के लिए तो यही जो हम सामान्य तरीके से समझते हैं वो यही समझ में आता है कि अगर वो लूज है और सस्पेंड कर रहा है सही तरीके से तो वो शायद वजन ले सकता है, पर उसकी भी एक क्षमता थी जिसको ये पार किया गया? अब देखिए, इसमें मैं दो लेवल पे बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 19th century में 1840 के आसपास आई, उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड ढेर सारे ब्रिजेस बने और ब्रिटिश टाइम में हमारे यहाँ भी कई ब्रिजेस बने। अब ये 1879 का बना हुआ है, 1877 का एक केरला में एक बहुत फेमस ब्रिज है। तो अब होता क्या है कि इनकी जो इन सब ब्रिजेज, ये कई पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज हैं, छोटे छोटे ब्रिजेज थे बाद में, तो अभी तो ईस्ट सस्पेंशन टेक्नोलॉजी से आपके पास ढेर सारे ब्रिजेज हो गए। तो ये होता क्या है कि जो छोटा सा ब्रिज है, एक पेडेस्ट्रियन सा ब्रिज है, उसको उतनी सीरियसली शायद लिया गया कि नहीं लिया गया, क्योंकि इसकी जो रेट्रोफिटिंग, जो 1879 का स्ट्रक्चर है, अगर दोबारा से अभी कुछ टाइम पहले ही उसकी हुई, तो क्या उस डिटेलिंग में, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस सीरियसनेस के साथ हुआ सारा? कैपेसिटी तो एक लिमिटेड ही होती है। नहीं नहीं, कैपेसिटी एक इशू है। हाँ। आपने 100 ईयर्स से ज्यादा का एक स्ट्रक्चर है। हाँ। अभी उसको रिमॉडल अगर किया। हाँ। या स्ट्रेंथनिंग की, तो मुझे अभी ये डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है कि किस लेवल तक स्टडीज करके, किन प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करके, किस लेवल तक उसका, क्योंकि देखिए, एक जो जहां तक रेनोवेशन या ये सब टर्म्स हैं, आपने कुछ पेंट कर दिया, कुछ छोटा मोटा कुछ 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 कर दिया, वो भी होता है। अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स, चाहे वो रेलवे के ब्रिजेस हैं या किसी के भी ब्रिजेस हैं, उनको सीरियसली लिया जाना चाहिए और टॉप लेवल पे सही स्टडीज के साथ उनके रिनोवेशंस करने चाहिए। दैट इज वन। और नंबर टू ये बात कि हाँ, उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी तो ऑब्वियसली, कुछ भी कोई भी डिज़ाइन होगा तो उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी तो रहेगी। उसके डबल लोग हो सकते हैं। अब अगर 3 गुना या 4 गुना इस तरह से लोग आएंगे
तो ऑब्वियसली चांसेस तो आपके बढ़ेंगे। और अजय आलोक जी, ऐसी चीजों को मॉनिटर करना तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी ही हो जाती है। अगर आलोक शर्मा ये कहते हैं कि ये ठेके पर देते गए ये चीजें जिनके कारण इस तरह का भ्रष्टाचार आता गया और आज उसकी जवाबदेही ढूंढने की बस कोशिश की जा रही है, मतलब एक व्यवस्था अगर चलनी है तो उस व्यवस्था का ही हिस्सा यह भी होगा ना कि एक कैप रहेगी टिकट बिक्री पर। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आज आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, कल पहला अर्ग हुआ था और यह हादसा हुआ तो हम लोग सब स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि 2013 में पटना में भी यही हादसा हुआ था जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी अर्ग देने के बाद। जब भी किसी भी सेलिब्रेशंस या किसी भी पर्व या त्यौहार के दौरान हादसा होता है तो ये मुख्यतः लापरवाही होती है, प्रशासनिक चूक होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहूँगा कि लाशों पर राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी ने सीधा यही कहा कि लोग मर गए हैं इसलिए इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन तब भी आलोक जी नहीं माने, 10 बातें बोले हैं, बोला है उन्होंने। नगर पालिका कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के अंडर में नहीं आता है, आप उत्तर दीजिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए। अगर इसी तरह से लाशों पर राजनीति करते रहे तो 10 चीजें आप भी निकल जाएगी। ठेका पे क्यों दिया गया? ठेका की प्रथा कब से इस देश में शुरू है? हाँ, ठेका की प्रथा इस देश में कब से शुरू है? कोई कल से शुरू हुई थी, मोरबी से शुरू हुई थी। बेहतर है कि हम लोग इस चीजों पे देखें कि किन चीजों पे लापरवाही बरती गई है। बिल्कुल सही कहा हमारे आर्किटेक्ट साहब ने कि जब रेट्रोफिटिंग की गई थी तो टॉप लेवल पे इसको देखना चाहिए था। दूसरी बात कि संडे को कहीं भी इस तरह के ब्रिजेस में कहीं भी पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क होना चाहिए था। दिवाली के बाद का दिन है, छठ के पहले अर्ग का दिन है, एडमिनिस्ट्रेशन की लैक्सिटी है, कहीं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीति रोटी मोदी जी को गुस्सा लेने, ये करने वो करने, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब ऐसे अब बात करेंगे तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, 5 लाख से ऊपर लोग प्रभावित हो गए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं लाभ में कह रहा हूं, तो इसलिए ये बात करना लोग जी आज की तारीख में कहीं से असंवेदना दिखाती है। आज की तारीख में जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेदारी सबसे बड़ी इसमें किसी की है तो कंपनी के अलावा महानगर पालिका के लोगों की है, चाहे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे चाहे उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे, कि कैसे ये ब्रिज खोल लिया। जिम्मेदारी किसी की है तो एग्रीमेंट के तहत इन्होंने बिना इन्फॉर्म किए हुए ब्रिज खोल दिया पैसे कमाने की नीयत से, इसकी जाँच होनी चाहिए, जो जाँच हो रही है, किसी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, बचाने की कोशिश तो पहले दिन से हो रही है, पहले मिनट से हो रही है, पहला उसका जीता जागता उदाहरण और एक्टिवा कंपनी का नाम एफआईआर में अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ। आलोक जी एक बार सुने ना भाई, अजय आलोक जी पहले दिन बोल रहे हैं, आप सरकार को बचाना चाहते हैं बचाइए, आप बीजेपी को बचाना चाहते हैं आप बचाइए। वहां पर छठ पर्व का, एक मिनट सुनिए भाई जरा, छठ पर्व का वहां कोई लेना देना नहीं था, जबरदस्ती एंगल मत जोड़िए। पहली चीज, माने राहुल गांधी जी ने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए ना भाई, मैं बिहार की बात सुनिए ना भाई, आप सुनिए तो सही, आप अरे भाई सुनिए ना, आप भी लेकर आए छठ पर्व में, पूरी डिबेट आप सुनते नहीं है, बीच में मैंने पूरी बात सुन ली है, आप बीजेपी को बचाना चाहते हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको, सुनिए जरा आप शांति से, पहली बात बैंड बजाते रहिए, सुनिए ना भाई जरा, आपको संवेदना जो लोग मर गए, नहीं नहीं संवेदना है, आपकी संवेदना नहीं है। अरे सुन, आप बीजेपी के खिलाफ आप इनका चुप करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आप बीजेपी के खिलाफ बैशिंग कीजिए। अजय जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट, देखिए आलोक जी आपने एक बात का गलत मतलब निकाल लिया है, उन्होंने छठ पर्व का इसीलिए जिक्र किया क्योंकि अर्घ के समय भगदड़ हुई थी और वहां पर प्रशासनिक लापरवाही के कारण उस साल उन्होंने उस संवेदना को सिर्फ जोड़ा है, तो इसीलिए आप दूसरी चीजों को जोड़ लीजिए, पर्व का नाम ना लीजिए बीच में, और अब अपनी बात पूरी कीजिए जी। अजय जी अब उनको बोलने दीजिए। श्वेता जी हाँ बोलिए। श्वेता जी पर्व का नाम मैंने नहीं लिया, पर्व का नाम कौन घसीट के लेके आया पूरे दर्शकों ने देखा। पहली चीज, एसआईटी 20 से ज्यादा बनी है गुजरात के अंदर, 22 पेपर लीक हुए, एसआईटी बनी आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। एसआईटी बनी, कौन लोग है पता ही नहीं है किसी को। एफआईआर में 302 क्यों नहीं लगी, 200 से ज्यादा लोग मर गए, कौन जिम्मेवार है उसके लिए, 304 धारा लगा दी गई। तीसरी चीज, एफआईआर में ओरेवा कंपनी का नाम क्यों नहीं है, कोई पूछ सकता है? एफआईआर अभी तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है, एफआईआर को इतना छुपा कर क्यों रखा है, किसी मीडिया हाउस के पास एफआईआर नहीं पहुंची अभी तक। जहां तक बात राजनीति करने की है, मोदी जी सुबह से 3 ड्रेस बदल चुके हैं, सुबह एक ड्रेस थी, दोपहर में दूसरी थी, अब तीसरी ड्रेस में भाषण दे रहे हैं मोदी जी बनासकांठा के अंदर।
राजनीति हम नहीं करते हैं, राजनीति मोदी साहब कर रहे थे कलकत्ता में, कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है प्योरली, और ये पूरी तरह से हर हाल में ये मौत की ठेकेदारी है ये, और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है। आज तक टीवी चैनल अगर आर्किटेक्ट को बैठाकर इसको पूरी तरह से डाइवर्ट करना चाहता है टॉपिक को, तो मैं उसमें खेद व्यक्त करता हूं कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है, प्रशासनिक चूक है ये। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए पूरी तरह से एसपी और कलेक्टर जिम्मेदार है। कलेक्टर ने जब मना किया कि इस कंपनी को नहीं दे सकते, घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप ब्रिज का ठेका दे रहे हैं, और ये आर्किटेक्ट साहब बताएंगे कि कौन कौन सी ब्रिज में कमी रह गई है। एसपी की जिम्मेवारी, एसपी सस्पेंड होना चाहिए था अभी तक, एसपी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? इतने लोग मर गए, 200 लोग, मतलब 1000 लोग मरेंगे तब जाके दो अधिकारी सस्पेंड होंगे, एक अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, एक अधिकारी अरेस्ट नहीं हुआ, एक व्यक्ति कंपनी का अरेस्ट नहीं हुआ। आपने दो टिकट वाले और दो गार्ड अरेस्ट कर लिए, और यहाँ पर आप संवेदना का पाठ पढ़ा रहे हैं आलोक जी। मुझे खेद होता है आपकी कटुता पर, कि आपको एक आर्किटेक्ट के बैठने पर भी ऐतराज हो जाता है। क्या लोग नहीं समझना चाहते हैं सस्पेंशन ब्रिज कितना सेफ है? क्या लोग नहीं समझना चाहते? किसी को कोई से सब सब आके सिर्फ आलोक आलोक का जप करें, यहाँ पर खाली आपकी बातें सुने, बाकी किसी को, ये लोकतंत्र है, सबको बात करने का अधिकार है। आप चैनल पर उंगली न उठाएं, चैनल पर उंगली न उठाएं, हमें हर पक्ष दिखाने का अधिकार है। आलोक जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, आपसे 100 गुना तेज चिल्ला सकती हूँ, इसीलिए शांत हो जाइए। प्रेम शुक्ला जी जो जो सवाल वो आप पर उठा रहे हैं उनके जवाब दीजिए। बस आलोक जी, मुझे डर नहीं लगता है, आप छोड़ दीजिए, चिल्लाते रहिए आप जी। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, जो बात वो उठा रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से गलत है? अगर FIR में ये नाम क्यों नहीं लिए गए? नामजद नहीं है। हर बिंदु का जवाब देना चाहूंगा, हर बिंदु का मैं जवाब देना चाहूंगा, जरा शांति से, संयम से। देखिए, अब इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि मोरबी में जैसे ही यह हादसा हुआ, तत्काल गिद्धों की भांति वहां कांग्रेस के लोग राजनीति करने पहुंच गए। मोरबी के लोगों ने वहां से भगाया उनको। उसके बाद भी अभी भी आप देखिए, इस पे आज तक भी जिम्मेदार है, इसमें आर्किटेक्ट भी जिम्मेदार है, जो आपके चैनल पर आदरणीय हरीश त्रिपाठी जी बैठ गए हैं, अजय आलोक जी तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि वो निष्पक्ष बात कर रहे हैं। संकट है कि कांग्रेस राजनीतिकरण के बाहर कुछ देखना ही नहीं चाहती। नहीं, लेकिन आप FIR की बात स्पष्ट कीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी, FIR की बात, जो भी जिम्मेदार होगा, हर किसी का नाम नहीं, मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ। FIR हुई है, उसमें जितने भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके नाम दर्ज होंगे। अभी हिरासत में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, 4 को अरेस्ट किया गया है, उनकी पूछताछ के आधार पर, जांच के आधार पर जो अभियुक्त होंगे उनके नाम दर्ज होते जाएंगे, उन पर कार्रवाइयां होती चली जाएंगी। अब चूंकि FIR, अभी जो एंडरसन को विमान में बैठाकर भोपाल त्रासदी के बाद, जिनके राजीव गांधी गांव छोड़ाते थे, वो हमसे अभी मोरबी पे बात कर रहे थे। मोरबी में यही 1979 में हादसा हुआ था, किसी और ने गलत किया था, शांत रहे, आपके बीच में नहीं बोला हो जाती है ना, जरा शांत रहे, दो गलत एक सही नहीं है। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, हम सही कैसे कर रहा हूँ बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं उनकी गलतियां गिना रहा हूँ, हम कैसे सही करते हैं बता रहा हूँ। आप चीज क्यों रहे भाई? अरे श्वेता जी को शांत कराइए, ये उपद्रव शांत कराइए, इनको हर्षवायु हो गई है, जब से द्रोण भेज देते, इनको शांत कराएं, ड्रेस बदल के 420 को जरा शांत कराएं, और राजनीति हम कर रहे हैं, 420 को शांत कराएं। नहीं, मोदी जी, अरे भाई मोदी जी आज भी ड्रेस बदल के आपकी निकृष्ट राजनीति पूरा देश देख रहा है। अब श्वेता जी, अगर आप जो है इनको यहाँ स्यापा करने के लिए बुलाई है कांग्रेस के अवसान पर, तो मैं वोट मांग रहे हैं, और हमारी गलती, मैं बिंदुवार बहस कर सकता हूँ, मैं जो है मच्छी बाजार का झगड़ा नहीं कर सकता हूँ गुजरात का, मैं इनकी इनकी अपशब्द संस्कृति पर, ये तो भाई गालियां बकने लगते हैं लोगों को, ऐसे व्यक्ति हैं, मैं इनके मुंह नहीं लगना चाहता। मैं एक जन्मदिन श्वेता जी, ये आप एंकरिंग इन्हीं से कराई जा रही है क्या? दे रहे हैं आप, एक एक करके जवाब कर लीजिए जनाब। पटाखे छुड़ाकर हेल्थ मिनिस्टर पटाखे छुड़ाकर शाम को इस घटना के चित्र करते हैं साहब, आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं आलोक जी, संवेदनाएं आप लोगों की, आपकी संवेदनाएं मर चुकी है, वो समझ में आ रहा है, बहुत दुखद है, आप मरी हुई है।
अच्छा अभी अभी राजनीति को विराम दीजिए, हम जरा आलोक जी को बहुत एतराज होगा, लेकिन फिर भी मैं आर्किटेक्ट के नजरिए से ये एंगल समझना चाहती हूँ कि ये सस्पेंशन ब्रिजेस जो कि हम सब जानते हैं कि, और न सिर्फ आपने जो केरल का जिक्र किया बल्कि मुझे लगता है कि उत्तर भारत में रहने वाला हर व्यक्ति ऋषिकेश को याद करेगा, लक्ष्मण झूला को याद करेगा ऐसे समय पर, क्या इस तरह की जो ब्रिजेस है यहाँ पर समय समय पर मेंटेनेंस सबका होता होगा? जी जी, कितना सुरक्षित, कितना इन्हें मॉनिटर करने की आवश्यकता है? एक ब्रिज को बना तो दिया जाता है लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कितनी भीड़ जा सकती है, कितना लोड हो सकता है, इसको राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और सीसीटीवी लगे हैं सब तो मॉनिटर हो ही रहा था। हाँ वो तो है, देखिए तो मैं समझता हूँ कि ब्रिजेस को दो कैटेगरी में रखना चाहिए। एक ब्रिजेस तो वो हैं जो 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल के अंदर हम लोगों ने बनाए हैं और उनका हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। दूसरे इस टाइप के ब्रिजेस हैं जो हिस्टोरिकल हैं, 150 साल पुराना है, या तो ये तो इनमें क्या है कि इनका इवन रेट्रोफिटिंग में भी एक अलग तरीके की सीरियसनेस की जरूरत है ऑल ओवर इंडिया, मतलब इससे लर्निंग की बात है कि मेंटेन कर रहा है वो भी मेंटेनेंस एज वेल एज लोग जा रहे हैं उसे भी देखना है। और तीसरा ये है कि जब भी आप उनके उनकी रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ ज्यादा ही डिटेल में जाने की जरूरत होएगी। कहीं तो है ना लापरवाही कर दी है कि अब आप जो भी बना रहा था उसने शायद ध्यान नहीं दिया, जिसने जो टिकट काट रहा था उसने ध्यान नहीं दिया, ब्रिज की भी तो एक क्षमता ही होगी ना अगर उसे बनाया नहीं, गया। वो तो देखिए वो तो होएगी ही। अब जब आप रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं तो या तो आप इस तरीके से उसको करेंगे कि सेफ हैं ये ब्रिजेस जो, क्योंकि सब इस्तेमाल करते हैं छोटी छोटी जगहों पर भी कोई झूला नहीं, इस तरह की जितने भी चाहे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो या ब्रिजेस हो या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑब्वियसली उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं और उनकी रेट्रोफिटिंग में हमें काफी ज्यादा ही उनके स्ट्रेंथ की चेकिंग और वो सब सारी चीजें करके तभी आप उनके लिए सॉल्यूशंस दे सकते हो। और ये पूरा हमारे लिए तो पूरी कंट्री के लिए लर्निंग है कि इस तरह के जितने भी ब्रिजेस या स्ट्रक्चर्स जो भी हैं उनको उनको ज्यादा ही डिटेल में जाया जाए, एंड देन ये भी मॉनिटरिंग करी जाए कि उनके यूसेज फॉर्मेट में, या अगर वो मोटरेबल है तो कितने टन्स के कौन से लोड्स उसमें जा सकते हैं, या इस तरीके के अगर केवल पैदल वाले एक और चीज समझाइए, वो तस्वीरों को देखकर बहुत सारे लोग क्या होता है कि सोशल मीडिया पर चर्चा भी करने लगते हैं कि कुछ लड़के दिख रहे हैं जो खेल में तस्वीर खिंचाने के लिए उसे हिला रहे हैं ब्रिज को बहुत ज्यादा। देखिए हिलाने से मुझे तो देखिए मुझे तो नहीं पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये देखिए कि जितना अभी लक्ष्मण झूला है उसपे भी जाइए आप मोटरसाइकिल लेके लोग जा रहे हैं वो सब हो रहा है, तो उसमें क्या है कि लोग आप सस्पेंशन खुद ही हिलता रहता है इतना, और 10-20 लोग ऐसा नहीं हो सकता कि 10-5 लोग उसको हिलाएं और उससे वो उसकी स्ट्रेंथ पे ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी वजह से कोई टूट जाए। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है, वो ओवरऑल जो टोटल लोड हुआ है उससे ही वो। और एक और जो हमारे संवाददाता ने एक तस्वीर दिखाई थी, अगर हम फिर दिखा सके, कि वो तार पूरी तरीके से ऐसे टूटा है, कहते हैं कि अगर एक गुच्छा रहे तो वो इस तरह से नहीं, वो नहीं तो वजन की वजह से सुपर लेवल पे ओवरलोडिंग हुई है ना। अच्छा। उसकी वजह से ही हुआ है। और यही अजय आलोक जी, जब हम किसी भी आपदा को देखते हैं, किसी भी हादसे को देखते हैं, तो उससे सबक होता है, चाहे एक जगह पर धार्मिक जगह पर भगदड़ हो जाए तो आप सारे देश के धार्मिक जगहों को उसके बाद आप देखते हैं कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कितनी। अब ये जो हुआ है यहां पर, और इससे पहले भी कई ब्रिज हादसे हिंदुस्तान में अभी हाल फिलहाल के दिनों में हुए हैं, हम क्या अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं या फिर राजनीति करके बस उसे छोड़ दे रहे हैं? देखिए श्वेता जी, बहुत जरूरी है कि अपनी गलतियों से हम सबक सीखें। जैसे अभी हमने आज ही देखा, आपके आज तक ने रिपोर्ट किया अभी 3 बजे कि अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल ने अटल पथ को कंप्लीट रिव्यू कर लिया, 400 लोग इस ऊपर नहीं जाएंगे। उस तरह देश में जहां जहां हैंगिंग ब्रिज हैं, निश्चित तौर पर इस घटना के बाद सबको रिव्यू करेंगे। देखिए राजनीतिकरण करना किसी भी घटना का बड़ा सरल उपाय होता है कि भाई जिसकी सरकार है, जिसकी वो, उसको ब्लेम करो, वही गलती है, स्वाभाविक है, जिम्मेदारी सरकार की होती है, ब्लेम किसको करेंगे, भगवान को तो करेंगे नहीं। लेकिन घटना से सबक लेके दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये कौन सरकार करती है, ये ट्रैक रिकॉर्ड भी जरा देखना बड़ा जरूरी है। नहीं, हालांकि जो आलोक जी कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, लीक हुआ कि जब दूसरे राज्य में होता है तो आखिरकार दूसरी पार्टी उठाती है, बंगाल में हुआ तो उठाया ही गया। मैं तो प्राइमरी कह रहा हूँ
मैं बिल्कुल मैं आलोक जी को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं घटना का राजनीतिकरण मत कीजिए, कम से कम संवेदना रखिए। ये तो प्रथम दृष्टया कोई कह ही नहीं सकता कि लापरवाही है, इसमें कहां कोई जरूरत की बात है, सीधे सीधे ये लापरवाही है। लेकिन ये लापरवाही दोबारा ना दोहराई जाए, ये भी गुजरात में ये सबका उदाहरण हमने देखा है। बार बार कह रहे मोदी जी के कपड़े, मोदी जी के कपड़े, कहां से मोदी जी के कपड़े आ गए इसमें? एक मिनट, कहां से मोदी जी के कपड़े आ गए? राहुल जी ने तो कहा कि इसे नहीं बोलना चाहिए, ये मोदी जी के कपड़े बोल रहे हैं। तो इसी को कहते हैं ना तुच्छ राजनीतिकरण। 2002 के बाद से गुजरात पर दंगा नहीं हुआ, पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो मुझे उम्मीद है कि देश में अब इस तरह से पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अब सस्पेंशन ब्रिज को लेकर निश्चित तौर पे बहुत दिनों तक लोगों के मन में एक डर रहेगा, और इस डर को दूर करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। राजनीतिकरण करके डर नहीं दूर होने जा रहा है ना, तो इस तरह बेहतर है। मुझे लगता है कि आज के दिन संवेदना व्यक्त करें, किस तरह से आगे ये पुनरावृत्ति ना हो उस पर विचार कर लें, सरकारों को आगाह करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन चलिए, इनको कपड़े गिरने तो गिरने दीजिए। श्वेता जी, हिंदुस्तान के मीडिया ने, याद होगा 26/11 हुआ तो देश के गृह मंत्री के कपड़ों के ऊपर पूरे पूरे डिबेट और शो किए। शिवराज पाटिल के कपड़ों को देखा गया था उस समय, क्योंकि वो जब दौरा करने वहां गए तो अलग कपड़ों में गए थे, पर प्रधानमंत्री आज सभाओं में जा रहे हैं। आज मोदी जी वहां पर तालियां पिटवा रहे हैं अपनी सभाओं में, और राजनीति हम कर रहे हैं। मोदी जी हैट पहन के वोट मांग रहे हैं, सुबह सुबह 9:30 बजे हैट लगा रखा अंग्रेजों वाला, बड़े वाला, और उसके बाद राजनीति हम कर रहे हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे बचाव में, और लोग तालियां बजा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये इस तरह की गंदी राजनीति मोदी जी ने शुरू की। मोदी जी का सुबह का भाषण सुनिए, पिछली सारी सरकारों को कोस रहे थे वो। एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, उसको आज का दिन भी पिछली सरकारों को कोसने का मिला है। जिस समय पर पुलवामा हुआ तो उसके अगले दिन 24 घंटे नहीं हुए थे, मोदी जी चुरू में 40-45 शहीदों की फोटो पीछे लगाकर वोट मांग रहे थे। राजनीति हम नहीं करते, राजनीति आप करते हैं। और आप अभी भी, अजय आलोक जी और प्रेम शुक्ला जी, आप लोग अभी भी चाहते हैं कि जो असली लोग गुनहगार हैं वो बच जाएं, और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि FIR अपने आप में एक सबूत है कि आप बचाना चाहते हैं। SIT में कौन लोग हैं, क्या करेंगे वो, कितने टाइम में SIT को जांच करेगी, कोई चिट्ठी तय नहीं है। आलोक जी, आपके हिसाब से किसका किसका नाम होना चाहिए FIR में? एक मिनट, देखिए, मुझे लगता है FIR में सबसे पहले उस कंपनी का नाम होना चाहिए, दूसरा कलेक्टर SP वहां के रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टर SP पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी जान और माल के उस जिले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या वहां का SHO नहीं देख रहा था 5 दिन से क्या हो रहा है? 17 रुपए के टिकट के चक्कर में, ठेकेदारी प्रथा में, ये भ्रष्टाचार का मामला है। आप अटल ब्रिज की बात करते हैं, अटल ब्रिज का एक्ट क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है? अहमदाबाद में बैठा हुआ हूं मैं, मेरे पास तमाम पत्रकार आए सुबह से आज, उन्होंने कहा अटल ब्रिज का भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया था और उसके पहले शुरू किया। मेट्रो अहमदाबाद की मोदी जी ने जो पीछे शुरू की थी, उसका भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आया था, क्योंकि चुनाव है आनंद फानंद में, सब चीजों के कर दीजिए। वंदे मातरम ट्रेन का क्या हाल हुआ वो देश ने देखा था। हम ड्रेस के ऊपर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य कि जब 200 से ज्यादा मौतें हो जाएं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 ड्रेस बदलकर अगर भाषण देंगे तो सवाल उठाए जाएंगे और तालियां पिटवाई जाएंगी प्रशासन और तमाम लोगों की सहयोग से, तो जरूर होगा। द शो मस्ट गो ऑन। महामानव का भाषण नहीं रुकना चाहिए, वोट मांगना नहीं रुकना चाहिए, और हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति जो कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। अभी तक एक अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, 200 मौत हो गई, और उसके बाद राजनीति हम कर रहे हैं। सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, यही गुजरात मॉडल है क्या? बंधक बना के रखना चाहते हैं आप सबको। 191 डेड बॉडीज निकल चुके हैं, और किसी को वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नहीं भगाया? प्रेम शुक्ला जी, भगाया तो वहां के सांसद और जो पूर्व विधायक थे उनको, जो फोटो खिंचवा रहे थे, अरे ठीक से फोटो आ रहा है ना मेरा, मैं सब लोगों की मदद कर रहा हूं, और भगाया। और गालियां किसी को सोशल मीडिया पर पड़ रही हैं तो गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर को पड़ रही हैं। इस बड़े हादसे के बाद भी वो पटाखे छुड़ाकर एक जन्मदिन पार्टी में थे, कहें तो मैं वो भी दिखा सकता हूं आपको। ये कल की घटना है। संवेदनशीलता किसकी मरी है, कौन संवेदनहील है, ये पूरा देश देख रहा है। मोदी साहब को आज भी सुबह मतलब हैट लगा के आप पुरानी सरकारों को कोस रहे हैं। संवेदनहीन हम नहीं है, भाजपा है। और इस तरह की घटना कभी भी द्वारका में भी हो सकती है, जहां पर वोट चलती है, 200-250 लोग बैठते हैं, और ये सारे के सारे ठेके जो है मैक्सिमम ये भाजपा के लोगों के पास है। आपने आरोप लगा लिया, हम जरा जवाब ले लें। हम प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लें, और अब चूंकि आप बोल रहे थे बीच में, किसी ने नहीं कहा था, प्रेम शुक्ला जी अब बोलिए।
देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज भारत को एकीकृत करने वाले महापुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा पर उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, तो जिन लोगों ने सरदार पटेल का हमेशा अपमान किया उनको तो पीड़ा होनी ही थी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसलिए हो समझ में आ रहा है कि इनकी पीड़ा कहाँ है, राजनीतिक पीड़ा कहाँ है। हम कहते हैं ना सरदार पटेल के कारण अगर श्रद्धांजलि अर्पित करने चलेंगे तो जिन लोगों ने अब खुद को भारत रत्न दे लिया, नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी का जब भारत रत्न हो गया तब सरदार पटेल का भारत रत्न अभी नेहरू परिवार की सत्ता जाने के बाद आई, ये स्थिति है। अब इनकी दशा, अब इनको जरा शांत करिए बीच में, या मैं बोलना बंद करूं क्योंकि ठीक नहीं बहस का फॉर्मेट, अगर या तो उनकी ऑडियो डाउन की जाए या मुझे बात रखने दीजिए। बोलिए, आपकी की बात सुनाई दे रही है प्रेम शुक्ला जी, आपकी की बात जा रही है कि वह एक स्वस्थ बहस को ठीक। धन्यवाद, धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद श्वेता जी, लेकिन बीच में बोलने से क्या मैं भी डिस्टर्ब होता हूं तो अच्छा नहीं लगता है। मुद्दे की बात है कि वहां जैसे ही दुर्घटना हुई, दुर्घटना पर राहत बचाव कार्य में कितनी तीव्रता हुई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में कितनी तीव्रता हुई, दोषियों पर जो आपराधिक कार्रवाई उसमें कितनी तीव्रता हुई, और उसे सबक लेकर आगे कैसे काम हुआ, यही मोरबी स्थान है और यही मिच्छू नदी है। 1979 में घटना हुई और महामारी फैल गई। कांग्रेस के शासनकाल में 10,000 से अधिक लोग, स्थानीय लोग तो 25,000 की संख्या कहते लोग डूब गए थे, महामारी फैल गई थी। और यहां अगर 18 मिनट में पहला पेशेंट अगर पहुंच जा रहा है अस्पताल, आधे से अधिक लोगों को जहां की बहुत भयंकर स्थिति थी बचाया जाता, और कह रहे कांग्रेस के लोगों को वीडियो भेज दूंगा मैं, कांग्रेस के लोग वहां राजनीति करने गए थे और भगा दिया गया, और अभी भी आप राजनीति के अलावा क्या कर रहे हैं, मुद्दे की कौन सी बात आप कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं कि वहां पर एक जो आर्किटेक्ट आकर आपको सारी जानकारी, लोगों के मन में कल से ही एक शक था कि पैर मारने से जो है, कुछ लोगों के हिलाने से जो ब्रिज गिर गया होगा, आज तक पर अगर यह स्पष्टीकरण जा रहा है कि नहीं वहां पर इस तरह नहीं हो सकता है, चार लोगों के हिलाने से ब्रिज नहीं गिर सकता है, तो इसको आप स्वस्थ परंपरा नहीं मानेंगे, लेकिन आप राजनीति करेंगे और राजनीति में कलेक्टर को सस्पेंड कर दो, एसपी को सस्पेंड कर दो, सबको सस्पेंड कर दो, सब इस्तीफा दे दो, ताकि और कुछ लोग वहां जो है हादसे पर, बाकी जो राहत और बचाव कार्य, जांच कार्य, अपराधियों को दोष देने की बजाय अराजकता फैला दो। ये कांग्रेस मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जी, कांग्रेस मॉडल ऑफ गवर्नेंस में जो है वो किसी को राहत और बचाव के लिए नहीं लगा जाता। 3,000 लोगों की हत्या कर दी जाएगी और एसआईटी नहीं बैठेगी, नरसंहार कराएगा प्रधानमंत्री खड़े होकर, और हमको ये सिखा रहे हैं साहब, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी आदत है जी, हमको गलत काम करते ही थे, आप अच्छा क्यों कर रहे हो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये तरीका गलत है साहब, ये राजनीति मत कीजिए, इतनी घटिया राजनीति मत कीजिए। चलिए ठीक है आलोक जी, एक और चीज, वहाँ सारे अस्पताल में नहीं, आप छोटा सा उत्तर भी दीजिए, और चूंकि आप एफआईआर आप कह रहे हैं कि आपने कहीं पर अभी देखी नहीं, तो आज तक पर हम सुबह से चला रहे थे एफआईआर की कॉपी, नामजद किसी का नाम नहीं है, ये बात हमने ही अपनी खबर में चलाया था कि कोई नाम नहीं है इसमें, पर एफआईआर की कॉपी मैनेजमेंट कंपनी का एक तरह से खाली वो आ जाता है इसमें, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी उसकी कॉपी हम सुबह से चला रहे हैं आज तक पर। बताइए, इसी पॉइंट पर आना चाहता था कि किसी के नामजद भी नहीं है ना उस कंपनी का नाम है, मैं इसी पॉइंट को लेकर आना चाह रहा था। आपने कहा ना कि किसी के पास अभी तक हाथ नहीं लगा है वो एफआईआर की कॉपी, इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं श्वेता जी, जानबूझकर मैंने पॉइंट उठाया था ताकि एफआईआर का जिक्र हो, मैक्सिमम टीवी चैनल एफआईआर को नहीं चला रहे हैं, इस बात को नहीं उठा रहे हैं। अब बात आती है अस्पताल की, अस्पताल जो है, इस अस्पताल का जो सिविल हॉस्पिटल है, इस अस्पताल का 2 महीने पहले इंस्पेक्शन हुआ था और माइक्रोस्कोप और तमाम इक्विपमेंट जो है इंस्पेक्शन के समय पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी प्राइवेट हॉस्पिटल से मंगाए गए थे और डॉक्टर भी 50,000 रुपए देकर उस दिन वहां पर बैठाए गए थे सिविल हॉस्पिटल में। ये सच्चाई है और मैं आज तक पर बोल रहा हूँ, आप गोपी घांगर से पूछ लीजिएगा इस बात को। इतना बुरा प्रशासन के ये गुजरात मॉडल को बेचते हैं आज वहां पर, आप नदी की हालत देखिए, मच्छूर नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आज तक पर बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर केस कीजिएगा। मैं अहमदाबाद के अंदर बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अभी गोपी घांगर से पूछिए, अभी उनको लाइन पर जोड़कर। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन लोगों को गवर्नेंस का मतलब केवल पैसा समझ आता है।
अटल ब्रिज पर 30 रुपए टिकट लगा दो, मच्छू नदी पर 17 रुपए टिकट लगा दो, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ठेके दे दो और ठेके में भी कमीशन खा जाओ। जनता की जान की कोई परवाह नहीं है लोगों को। ये केवल केवल और सीधा सीधा ये मौत की ठेकेदारी का सवाल है, ये प्राइवेटाइजेशन और ठेकेदारी प्रथा का भ्रष्टाचार का जीता जागता लापरवाही का उदाहरण है। ये कहीं पर कोई आर्किटेक्चर की और उसकी कोई प्रॉब्लम पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार हुआ है, किस मंत्री ने गांधीनगर से कहा है, किस भाजपा के नेता ने कलेक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी ठेका दिलवाया है, उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। ये एसआईटी का खेल बंद कर दीजिए। हाथरस की एसआईटी का आज तक वो नहीं आया, जांच होकर क्या हुआ है? 20 से ज्यादा एसआईटी गुजरात में बनी है, एक एसआईटी का रिजल्ट नहीं आया है। ड्रग्स पे भी एसआईटी बनी थी, लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया और एसआईटी का खेल चलता रहा। इसमें पूरी तरह से भाजपा के लोग लिप्त हैं और मुख्यमंत्री को बिना देरी किए इस्तीफा देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार का पूरी तरह से बोलबाला है और भ्रष्टाचार की वजह से यह हादसा हुआ है। श्वेता जी, आज मोदी साहब तो एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड ढूंढ रहे थे, लेकिन इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर 107 केस दर्ज हैं। ऐसी इनका गुजरात मॉडल है। हम कह रहे हैं मुजरिम कब सामने आएंगे? अरे सामने क्या, वो घूमने लग रहे हैं वहां पर मुजरिम। न्यायपालिका जो है, नगर पालिका, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के अंडर ही आती है और उनके उसका जो जिम्मा है वो सीएम के पास है। सीएम महोदय को एक मिनट भी अपनी सीट पर बैठने के कोई अधिकार नहीं है। और तमाम मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि हम आगे से कोई घटना ऐसी ना हो, पिन पॉइंट करके इसको किसी भी रूप में डाइवर्ट ना होने दें। जो मुद्दा है, जो विषय है, उसके ऊपर हमारी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से कि किस तरह से जो मुजरिम है वो सामने आने चाहिए। बीजेपी के शासनकाल में यही होता जाता है कि कोसते रहिए पिछली सरकारों को, 84 के दंगों को, पंडित नेहरू को, इसको उसको, अपनी जवाबदेही से भागते रहिए। लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया मुंद्रा पर, अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जरूरी अगर कार्रवाई है तो जरूरी इसके साथ वो उपाय भी हो जाते हैं और इसीलिए आपको चाहे कितना भी एतराज हो, लेकिन यहां पर उन पुराने जो इतिहास के नाम पर जिन ब्रिजों को त्रिपाठी जी संरक्षित किया जाता है कि उन्हें रखा जाएगा, ये खतरनाक तो नहीं है क्या? ये वैकल्पिक क्या इतना महंगा हो जाएगा व्यवस्था उसकी कि हम इन ब्रिजों को बचा कर रख रहे हैं उस वजह से? इन चीजों पर क्या एक्शन की जल्द से जल्द जरूरत है? देखिए, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है कि हम लोग हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को कंजर्व करते हैं और कंजर्वेशन गवर्नमेंट बॉडी करे जैसा कि आलोक जी कह रहे हैं, या फिर प्राइवेट ठेके जाएं? नहीं, ये तो देखिए डिटेलिंग की बात है, लेकिन है क्या कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये ट्रेंड रहा है कि हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को काफी एफर्ट करके आप जो है परिमानदारी से करें मेंटेन, तभी होगा। नहीं, वरना तो ये हादसे जो हैं वो बहुत बहुत खतरनाक एक ट्रेंड की शुरुआत दिख रही है यहां। नहीं, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को आप बहुत एफर्ट करके, ज्यादा पैसे लगा करके एक करते हैं, क्योंकि उनका उनकी अपनी वैल्यू है। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी इस तरीके के क्लासिकल हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको थोड़ा सा शायद और डिटेलिंग में जा करके और सीरियस लेवल पे स्टडीज करके और उस तरीके से इनका रेट्रोफिटिंग या कंजर्वेशन करके, और मतलब हर लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। एक तो उनकी स्ट्रेंथ करंट लेवल पे लानी पड़ेगी, जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ वो अचीव कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। और दूसरा ये है कि अनदर मॉनिटरिंग की उनका जो यूसेज फैक्टर है, कि ये ना हो कि 100 लोगों का लोड वो ले सकता है और आपका 400-500 लोग जा रहे हैं, तो वो दोनों लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली दे आर प्राइड ऑफ कंट्री, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो क्योंकि प्रेम शुक्ला जी, यही आखिर मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लापरवाही केवल नहीं है, अभी जांच शुरुआती है इसीलिए इंतजार होगा, लेकिन भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी पूरी पूरी है। टिकट की बिक्री अगर हो रही थी एक लिमिट से अधिक, तो वहां पर भी एक छोटे स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं और बड़े स्तर तक सवाल उठेंगे। अगर पार्टी की भी संलिप्तता रही, आपके अपने लोग इसमें शामिल रहे, क्या देश को आश्वासन दे सकते हैं कि जिम्मेदार कोई भी होगा, कितना भी रसूख वाला होगा, वहां तक कानून के हाथ पहुंचेंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरह मुख्यमंत्रियों से हिसाब थोड़े लेते हैं कि इतने रुपए भेज दो,
उन पर 420C केस के मुकदमे थोड़े हैं। कहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, किसी भी अगर को जो दोषी है वो चाहे जो व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये निश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त होने की संभावना ही नहीं है। फिर भी अगर कोई अगर किसी की भी संलिप्तता हो, वो कोई भी हो, मोदी जी कभी भी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं देते। चलिए, दिक्कत ये है कि अभी सिर्फ शब्दों पर ही यकीन करना पड़ेगा और प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन ये जो मामला है, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उससे पूरा देश सकते में। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आप देख रहे हैं दंगल। हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मोरबी हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हो। जो जवाब हमें मिले हैं उसमें 88% लोगों का मानना है कि हां, हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। 12% लोग ऐसा नहीं माने। दंगल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।